जनपद संभल के चंदौसी नगर पालिका में तैनात अवर अभियंता के साथ अध्यक्ष के आवास पर भुगतान को लेकर ठेकेदार ने की मारपीट। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर आवास विकास कॉलोनी में स्थित नगर पालिका परिषद अध्यक्ष इंदु रानी के आवास पर आज ठेकेदार के भाई मनमोहन भसीन के द्वारा नगर पालिका में तैनात अवर अभियंता सिविल के अग्रवाल के साथ बकाया भुगतान न होने को लेकर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत अवर अभियंता ने लिखित में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से की। साथ ही इस मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की अपील की गई। देखिए, 11 बजे के बाद जब मेरे पास चेयरमैन साहब का फोन आया, मैं वहां पहुंचा और अंदर चेयरमैन साहब थी, मैं था और एक व्यक्ति और थे। अंदर ही बातचीत हो रही थी, चेयरमैन साहब ने कहा कि अग्रवाल जी और ये ठेकेदार भी आए हैं, ये आपस में बातचीत कर लें, इसके बाद देखते हैं। तो बातचीत हो ही रही थी, मुश्किल से एक मिनट भी नहीं हुआ होगा जब तेज आवाज़ झगड़े जैसी आने लगी। तो मैं तत्काल उठ के गया और मैं देखा अंदर जो है मनमोहन भसीन ने इन्हें पकड़ रखा था और साथ में एक और भी कोई सुमित नाम के ठेकेदार थे, वो बचाव वो भी कर रहे थे। मैंने भी भसीन को पकड़ा और फिर इसके बाद मामला फिर शांत हुआ। अब इसके लिए मैंने चेयरमैन साहब से बात भी की है, अभी मेरे पास लिखित रूप से अग्रवाल जी ने लिख के भी दिया है, बातचीत करके इसकी अग्रिम कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी। आज सुबह 11 बजे अध्यक्ष महोदय ने अपने आवास पर मुझे बुलाया था। मैं अध्यक्ष महोदय के आवास पर गया तो वहाँ उन्होंने चल रहे विकास कार्यों निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी की। उसके पश्चात मनमोहन भसीन के कार्यों का अंतिम भुगतान के संबंध में बातचीत की, जिसमें मुख्य रूप से रामबाग रूट के भुगतान के बारे में था। उनका अंतिम भुगतान नहीं हुआ है। उनका अंतिम भुगतान क्यों नहीं हुआ है तो मैंने अध्यक्ष महोदय को बताया कि उनका कार्य सही नहीं है, संतोषजनक नहीं है, उनकी शिकायत भी आई है, इसलिए उनका अंतिम भुगतान नहीं किया गया। जिसके पश्चात थोड़ी देर पश्चात ही मनमोहन भसीन वहां आ गए और मनमोहन भसीन से पहले मैंने कहा भी कि मैंने मौके पर ही देख लिया जाए, तो इसके बाद वो वार्ता होने लगी उनसे। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उनसे बात कर लो और वार्ता होने लगी, किंतु इसे जब उनको बताया गया कि इस पर अधिकारियों द्वारा भी इस प्रसन्नता व्यक्त की गई है, ऐसा कार्य सही नहीं है, तो उनके द्वारा मेरे पर आक्रामक हो गए और पानी का गिलास उठा के मेरे ऊपर फेंक के मारा, जिससे मैं बच गया। पानी का गिलास गिर गया, पानी मेरे ऊपर आया। इसके पश्चात वहाँ उस समय वहाँ पर शोभित ठेकेदार भी मौजूद थे, जिन्होंने उनको रोका और मुझको बचाने का प्रयास किया, लेकिन किंतु उन्होंने उनको भी धक्याते हुए कुर्सी उठा ली और आक्रामक हुए। इसी समय अधिशासी महोदय भी वहाँ पहुँच गए और अध्यक्ष महोदय द्वारा जो अंदर चली गई थी वो भी आ गई और उन्होंने उनको रोका, उन्हें बचाने का प्रयास किया, उन्होंने मेरे साथ मारपीट करने का प्रयास किया था। मैडम, सुबह से एक मामला सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था कि के अग्रवाल साहब के साथ किसी ने हाथापाई की है, वो भी आपके ऑफिस में, तो ये क्या मामला है, क्या था पूरा प्रकरण? क्योंकि मेरे संज्ञान में हाथापाई की बात नहीं आई है, बातचीत हो रही थी, बातचीत करते करते मेरे तो अंदर मीटिंग हो रही थी, मैं अंदर शुरू में मीटिंग करने चले गई, मेरे प्रभारी जी थे और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो यहाँ बात करते हुए छोड़ा मैंने। और मेरे संज्ञान में ये नहीं हाथापाई हुई है, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो गलत है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और दोनों को बुला करके यू साहब को, मैं विभागीय जी अपने जी साहब को और जो ठेकेदारों को बुला करके बात करूँगी, ये गलत है, इसका जो भी समाधान होगा वो हम करेंगे। अग्रवाल साहब ने एक एप्लीकेशन दी अधिशासी अधिकारी को कार्रवाई करने हेतु और उन्होंने ये कहा है स्टेटमेंट में, जो हम लोगों ने मीडिया ने कैमरे पे लिया उनसे स्टेटमेंट, कि मेरे ऊपर पहले तो गिलास फेंका पानी का ठेकेदार साहब ने, भसीन साहब ने, उसके बाद उन्होंने कुर्सी पकड़ ली मुझ पर हमला करने के लिए, ये सब बातें बताई गई है। और मैं बुला करके जय साहब को, दोनों को बुला के बात करूंगी क्या हुआ है, क्योंकि हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे पड़े हैं, चुनाव सर पे है, चुनाव शुरू हो गया है, हम लोग उसी की मीटिंग में लगे हुए थे और ये बीच में बातचीत हो तो वो क्या हुआ है, मैं बुला करके बात करूंगी और पूछती हूँ, और यार जैसा हो तो गलत हुआ है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। जय साहब कह रहे थे कि आपने ही उन्हें यहाँ बुलाया था दोनों को? जय साहब को तो रोज, मैं भाई मेरे तो अधिकारी है, जय ही है, ये रोज ही आते मेरे,
मैं बुलाती हूँ भाई, काम है तो काम होते तो बुलाना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, बताना पड़ता है काम। जब कार्यालय है ये तो यहाँ पे सभी लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ नहीं, उनको बुलाया मैंने, कहा जी साहब को कि जो भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान करें। समाधान का मतलब ये नहीं है कि